दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट गैजेट्स दिखाने वाला हूं, जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ को बहुत आसान बना देंगे। ये कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट हैं, जो दिखने में तो स्टाइलिश है ही और साथ ही आपकी कई तरह से मदद भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले गैजेट से, वाओ क्यूब। दोस्तों इस गैजेट के डेवलपर्स ने एक पूरा गेमिंग सिस्टम ही इस छोटे से क्यूब में फिट कर दिया है। ये अपनी तरह का दुनिया का सबसे पहला मल्टी डायमेंशनल टॉय है। इस क्यूब की हर साइड पर 4 स्क्रीन है और इन टोटल इस क्यूब में 24 स्क्रीन्स है। एक कमाल की बात ये है कि इस क्यूब में एक भी बटन नहीं है। पहेलियां सुलझाना, पजल सॉल्व करना, गेम्स खेलना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। दोस्तों वाओ क्यूब खास तौर से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, यानी कि ऐसी चीजें जिससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है और साथ ही हाथ और आंखों का कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होता है। आप इसको अपनी ऑफिस टेबल या स्टडी टेबल पर रखकर इसकी स्क्रीन पर अलग अलग विजिट्स या फिर नोट्स दिखा सकते हैं, या चाहे तो इसे एक शोपीस की तरह रखकर इसमें फोटोज और वीडियोस डिस्प्ले कर सकते हैं। इस स्मार्ट क्यूब के साथ तो अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं। केवल इतना ही नहीं, वाओ क्यूब से आप अपने स्मार्ट होम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्मार्ट स्पीकर भी है, बिल्कुल अमेज़न अलेक्सा और गूगल होम की तरह। अगर आप चाहे तो आप इसके लिए पजल्स और गेम्स भी बना सकते हैं, यानी कि इस गैजेट की मदद से आप कोडिंग भी सीख पाएंगे। हार्डवेयर ड्राइव। दोस्तों हमारा ये अगला गैजेट रोड सेफ्टी और स्टाइल दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हार्डवेयर ड्राइव एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, जिसको आप अपनी कार के डैशबोर्ड पर बिल्कुल ड्राइवर के फेस के सामने रख सकते हैं। दोस्तों इसकी ट्रांसलूसेंट स्क्रीन रोड को बिल्कुल ब्लॉक नहीं करती है, जिससे गाड़ी चलाते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में ये स्क्रीन आपको बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दिखाती है, जैसे ड्राइविंग स्पीड, फ्यूल लेवल, मैप, कॉल्स, मैसेजेस, टाइम और एयर टेम्परेचर। इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आप जो भी दिखाना चाहे वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं इसके मोबाइल ऐप की मदद से। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि हार्डवेयर ड्राइव कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये सब डाटा देखने के लिए आपको सड़क पर से नजरें नहीं हटानी पड़ेंगी, और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो ये गैजेट दिखने में तो बेहतरीन है ही, पर इसके फायदे भी कुछ कम नहीं। वॉर्टेक्स। दोस्तों आज मार्केट में कई गैजेट्स आ चुके हैं जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल असली जैसा बना सकते हैं, लेकिन आज भी वो ये काम करने में इतने कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो मिलिए वॉर्टेक्स से एक गैजेट जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। दोस्तों वॉर्टेक्स आपको बिल्कुल गेम जैसी कंडीशंस का माहौल बनाकर देता है, जैसे कि अगर आप गेम में पैराशूट से उतर रहे होंगे तो ये ठंडी हवा के झोंके बनाता है, या फिर अगर गेम में ब्लास्ट होता है तो ये गर्मी भरा देता है। वॉर्टेक्स की यूनिक एल्गोरिथम गेम के साउंड्स और स्क्रीन कलर्स को पहचान कर ये पता लगाता है कि गेम में क्या चल रहा है, जिसके बाद ये आपको बिल्कुल गेम जैसा एनवायरनमेंट बनाकर देता है। वैसे तो वॉर्टेक्स गेम्स के लिए बनाया गया है, पर आप इसको किसी भी वीडियो का रियल टाइम रिस्पांस लेने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको मूवीज, सीरीज या यूट्यूब वीडियोस के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो सोचिए अगर आप इसको अपने प्लेस्टेशन, कंप्यूटर, लैपटॉप या वीआर हेडसेट गेमिंग के साथ कनेक्ट कर दे तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस कितना बेहतरीन हो जाएगा। फोकल्स। दोस्तों फोकल्स एक बिल्कुल नई स्टार्टअप कंपनी है, जिसको हाल ही में गूगल ने एक्वायर कर लिया है। ये एक स्मार्ट गैजेट है, जिसको आप अपने नॉर्मल ग्लासेस की जगह यूज कर सकते हैं। इन ग्लासेस से आप मैसेजेस का रिप्लाई, फोन कॉल्स को आंसर, मैप नेविगेशन और भी बहुत सारे काम बिना अपने फोन को यूज किए कर सकते हैं। केवल आपको इतना करना है कि इसके साथ जो रिंग दी गई है उसको पहनना होगा, जिससे आप इन स्मार्ट ग्लासेस को आसानी से यूज कर पाएंगे। ये स्मार्ट रिंग अलग अलग जेस्चर्स पहचान सकती है, जिससे आप इन स्मार्ट ग्लासेस को कंट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, गूगल के एक्वायर करने से पहले फोकल्स को अमेज़न का सपोर्ट था, जिसकी वजह से इन ग्लासेस में अलेक्सा सपोर्ट भी दिया गया है। इन ग्लासेस को आप नंबर वाले लेंसेस में या फिर नॉर्मल लेंसेस में भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस बेहतरीन गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।